हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम टेली प्राइम का जो 3.0 लेटेस्ट रिलीज है, उस रिलीज में कंपनी को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, लेजर किस प्रकार से क्रिएट करते हैं और स्टॉक आइटम को किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें आपको जब हम किसी रियल बिजनेस के प्रैक्टिकल अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मेंटेन करते वक्त जो हमें बातें ध्यान में रखना जरूरी होता है, वही सारी बातें आपको आज की इस क्लास में बताई जाएगी। न तो आपको कोई किसी नोट्स के द्वारा बताया जाएगा, न ही कोई आपको बुक्स का नॉलेज दिया जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी इंस्टीट्यूट से टेली प्राइम को सीख रहे होते हैं, तो वहां पर वो किसी नोट्स को देख के या किसी बुक्स को देख के कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, उसको देख के लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं, स्टॉक आइटम को भी क्रिएट कर लेते हैं और वो अब सोचते हैं कि हमने टेली का कोर्स कर लिया। लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जब हम किसी बिजनेस की रियल प्रैक्टिकल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो उन सभी गलतियों की जो गुंजाइश है वहां पर बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। सीखते वक्त आप गलतियां कर सकते हो तो चल जाएगा, लेकिन हम किसी बिजनेस की अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे प्रैक्टिकल रियल बिजनेस की, तो वहां पर उन सभी गलतियों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल तरीके से आपको अकाउंट जो सीखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी टेली प्राइम का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को, इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर कर लेना, ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के पास भी पहुंचे जो प्रैक्टिकल तरीके से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं। क्योंकि आज की इस क्लास में जो हम आपको बातें बताने वाले हैं वो रियल बिजनेस के आधार पर ही हम आपको बताएंगे, कोई नोट्स नहीं है, कोई बुक्स नहीं है। किस तरीके से आपको लेजर क्रिएट करना है, किस प्रकार से आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है, किस तरीके से हम जीएसटी का सेटलमेंट करते हैं, कहां पर हमें जीएसटी नंबर लिखना होता है, तो ये सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप है जो सिखाने वाले हैं। सभी टोटल हमारे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वाउचर एंट्री करने का तरीका, डेबिट नोट बनाने का तरीका, क्रेडिट नोट बनाने का तरीका हम आपको आने वाले स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अंदर सीरीज के साथ आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। और आज का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज के साथ में और लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स रूल के साथ। तो दोस्तों, वैसे तो आपको हमारे इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी, लेकिन वो वीडियो अपने रूल के अकॉर्डिंग धीरे धीरे उनके अंदर फीचर्स भी चेंज होते जा रहे हैं, धीरे धीरे जीएसटी के और इनकम टैक्स के रूल भी चेंज होते जा रहे हैं, तो हमें बिल्कुल अपडेट रहना है, अपडेट रूल के साथ जीएसटी का सीखना है, जीएसटी का इनकम टैक्स का सीखना है और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो लेटेस्ट रिलीज आया 3.0 का, ठीक है, तो उसके अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं टेली कंपनी के द्वारा, उनको भी हमें अपडेट तरीके और प्रैक्टिकल तरीके के साथ जरूर सीखना होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना, क्योंकि सारी बातें आपके सामने प्रैक्टिकल तरीके से शेयर होने वाली है। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार नए रूल के साथ और नए अपडेट के साथ मिलती रहेगी। और आज की वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, टेली सॉफ्टवेयर को ओपन करते ही सबसे पहला हमारा जो काम रहने वाला वो है कंपनी क्रिएट करता। तो दोस्तों, अब बात आएगी कंपनी क्रिएट करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, जैसे हम टेली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास कोई भी कंपनी ऑलरेडी क्रिएट नहीं है, लिस्ट ऑफ कंपनी के अंदर आप देख सकते हो बिल्कुल ये डाटा खाली है। तो हम इसको किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, तो दोस्तों जैसे हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को यहाँ से ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके के हमारे सामने कुछ ऑप्शन भी आएंगे, ठीक है। और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्रिएट कंपनी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम है जो कंपनी को क्रिएट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास टेली प्राइम का जो 3.0 रिलीज वो अभी तक नहीं है और आप अभी 2.1 डाउनलोड कर रहे हो, अगर आप टेली सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको 3.0 है जो रिलीज नहीं मिलेगा। अगर आप 2.1 डाउनलोड कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 3.0 का लेटेस्ट रिलीज डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप 3.0 का लेटेस्ट रिलीज है जो डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि अभी तक वो बीटा वर्जन में है, अभी तक उसके अंदर वर्किंग हो रही है और लॉन्च बहुत जल्दी होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं कंपनी क्रिएट के। तो दोस्तों, कंपनी क्रिएट करने से पहले बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना और बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट बात है, वो है हमारे कंपनी के डेटा पाथ की।
तो क्योंकि हम जब हम किसी इंस्टीट्यूट से टेली सॉफ्टवेयर सीख रहे तो हमें किस बात को ध्यान में नहीं रखते कि हमें कंपनी के डेटा पाथ का रखना क्या चाहिए। जैसा कि अब यहाँ पे आप देख रहे हो, मेरे पास इस कंपनी के अंदर हम जो भी वर्किंग करेंगे, जो भी डाटा एंट्री करेंगे, वो डाटा एंट्री हमारी पर्टिकुलर इस लोकेशन पर जाकर सेव होगी, यानी कि डी ड्राइव। डी ड्राइव के अंदर हमारा एक टेली प्राइम 3.0 के नाम से एक फोल्डर है और उसके अंदर एक सब फोल्डर है डेटा का, यानी कि हमारा रिकॉर्ड वहां पर सेव होगा। तो दोस्तों, आपका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सॉफ्टवेयर आप दोबारा भी डाउनलोड कर सकते हो, सॉफ्टवेयर उड़ गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका रिकॉर्ड एक बार उड़ गया, यानी कि डेटा अगर आपका रिकॉर्ड उड़ गया, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। इसलिए आपको जो भी डेटा का पाथ है वो आपका जिस ड्राइव के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि विंडो रहती है, उसके अंदर आपको डेटा का पाथ है जो सेव बिल्कुल भी नहीं करना है, विशेषकर आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि मेरा सी ड्राइव के अंदर मेरी विंडो रहती है, तो सी ड्राइव हमारे विंडो करप्ट हो सकता है तो हमारा डाटा भी जा सकता है, क्योंकि हमें कई बार सिस्टम को सी ड्राइव को फॉर्मेट भी करना पड़ सकता है, तो फॉर्मेट कर दिया तो ये डाटा भी हमारा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको सी ड्राइव से हटा के, इसके अलावा आपके पास में जो भी ड्राइव अवेलेबल है, डी ई एफ जो भी है, आप उस ड्राइव का यहाँ से यहाँ पर डेटा पाथ है जो सिलेक्ट करें, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपके पास में जहां पर हम टेली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वही डेटा पाथ यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। जैसा कि अगर हम स्टार्टिंग में जाएं तो स्टार्टिंग के अंदर आपको यहाँ पे भी पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी का जो रिकॉर्ड है, डेटा है, वो इस ड्राइव के अंदर सेव रहने वाला है। कंपनी क्रिएट करेंगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है, सीख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, डाटा उड़ गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियल बिजनेस की प्रैक्टिकल के अंदर हमारा डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब उसके अंदर बात करेंगे सबसे पहले कंपनी क्रिएट की, यानी कि कंपनी का नाम हमें यहां पर क्या रखना है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है भी नाम आप शॉर्टकट कुछ भी रख दोगे, कंपनी का नाम रखते वक्त आपको चाहे तो आप उस कंपनी की बिल बुक उठा लीजिए, यानी कि जो कंपनी का जो सेल इनवॉइस है वो सेल इनवॉइस आप उठा लीजिए। उस सेल इनवॉइस के अंदर जो कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम आपको प्रॉपर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी का नाम स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी है और वहां पर आप खाली स्मार्ट ट्रेडिंग लिख के छोड़ दोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। प्रॉपर पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको नहीं पता है भी आपकी कंपनी का पूरा नाम क्या है, तो आपकी कंपनी का जो भी जीएसटी नंबर है उस जीएसटी नंबर को हम क्या करेंगे, जीएसटी की साइट पे जाएंगे और वहां पर हम सर्च टैक्स पेयर का एक ऑप्शन आएगा और वहां पर हम सर्च बाय जीएसटी नंबर से इसको सर्च भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास जीएसटी नंबर रहेगा उस जीएसटी नंबर को हम यहाँ से लिखेंगे और सबमिट करेंगे, तो उस कंपनी का प्रोपराइटर का नाम, उस कंपनी का नाम, सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपका नेट का इश्यू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं वापस कंपनी पे। अब हमारी अगर हम बिल बुक को देखें तो हमारी कंपनी का नाम हम रखने वाले हैं स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, तो हम यहाँ पर प्रॉपर नाम लिखेंगे यहाँ पर। और सभी आपको कंपनी का जो नाम है वो कैपिटल अक्षर के अंदर लिखना है, वो आपको विशेष ध्यान में रखना है, स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। उसके बाद में मेलिंग नेम पूछा जाएगा। मेलिंग नेम के अंदर अगर आप शॉर्टकट नाम यहाँ लिखना चाहते हो, जैसे मेरी स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी है, अगर मैं इसको एसटीसी अगर शॉर्टकट नाम लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी एजीटीजी इसको पेस्ट कर देता है यहाँ पर। उसके बाद बात आएगी एड्रेस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है भी आपको यहाँ पर किस बात का ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखने के लिए जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पर टाइप करना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो अभी मेरी कंपनी का जो एड्रेस है वो वार्ड नंबर 15 नियर बेन बस स्टैंड रायसनगर कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम एजीटी यहाँ पर लिखेंगे कि पूरा आपका जो भी एड्रेस है, आप एड्रेस को आप चाहो तो फर्स्ट कैपिटल और बाकी छोटे के अंदर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिख दिया वार्ड नंबर 15 नियर मेन बस स्टैंड, ठीक है। अब आपको जो आपका सिटी का जो नाम है वो इंटरप्रेस करके नीचे वाली लाइन के अंदर आपको लिखना होगा। जैसे मैंने लिख दिया रायसिंह नगर, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप डिस्ट्रिक्ट नाम साथ में लिखना चाहते हो तो स्पेस देके यहाँ पर आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप इंटरप्रेस करके नीचे की लाइन के अंदर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगा नगर, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप और ज्यादा एड्रेस प्रॉपर मेंशन करना चाहते हो तो जैसे ही आप इंटरप्रेस करते जाओगे आपके सामने ऑप्शन आता रहेगा। आपका कंपनी का एड्रेस कंप्लीट हो चुका है तो आप एक बार और इंटरप्रेस करोगे तो डायरेक्ट आपका जो टैब है वो सीधा स्टेट पे आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको
अपना स्टेट है जो सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट आपको एड्रेस के अंदर नहीं देना, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपके एरिया का जो पोस्टल कोड है यानी पिन कोड है वह यहाँ पर आपको रखना है, क्योंकि ये सारी बातें हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब भी हम हमारे कस्टमर को कोई सेल इनवॉइस इशू करेंगे तो वो सारा का सारा डाटा हमारा यहाँ पर प्रिंट होके आता है। स्टेट का नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर मेंशन हो जाता है, इसलिए हमें सारा डाटा दे देना चाहिए। उसके बाद जैसा कि आपके पास यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। फैक्स नंबर, ईमेल जरूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा ईमेल भी चलते हैं, तो हम यहाँ पर एक ईमेल आईडी आपके पास जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक बार लिख दिया। मेल आईडी आपको प्रॉपर ध्यान में रख लेना है, मेल आईडी आपका बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है आप अपने कस्टमर को जो इनवॉइस है वो मेल के थ्रू भी भेज सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हो, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी प्रॉपर सही तरीके से लिखनी है। उसके बाद अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट भी है तो वेबसाइट भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसा कि मेरा अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने smart.com के नाम से ईमेल आईडी है। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये रहेगा फाइनेंशियल बिगनिंग प्रो। बहुत सारे स्टूडेंट्स 95% स्टूडेंट जो सीखने वाले होते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है वो सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे करते हैं। अब हमें यहाँ पर रखना है भी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा रखना है, तो अभी हमारा प्रेजेंट टाइम के अंदर फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 2023-24 का, ठीक है। अब 23-24 का कोई भी फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो अब हमारा मान लीजिए हमने इस इनवॉइस की एंट्री करनी है, अब ये इनवॉइस हमारे पास कब आया हुआ है, 1/5/2023 को, ठीक है। अब मान लीजिए 1/5/23 को, इसका मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का इनवॉइस है और ये जो इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर है ये हमारा 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर हमें 1 मई नहीं देना, 1 अप्रैल 2023 देना है। और उसके बाद में बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, तो अगर आप बुक्स बिगनिंग फ्रॉम के अंदर 1 अप्रैल 2023 अगर आपका रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया उस बिजनेस डेट की स्टार्टिंग अगर आप डेट यहाँ देना चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैंने 1 मई 2023 के अंदर मेरा बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं यहाँ पर 1 मई 23 लिखूंगा तो 1 मई 23 भी आ जाएगा। और उसके बाद के अंदर ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में इनेबल एडिट लॉक का, ठीक है। अब अगर आपकी कंपनी है, अगर आपके ऊपर जो भी आप वाउचर को रिकॉर्ड को चेंज करोगे मॉडिफाई करते हो अगर उसकी रिकॉर्ड कंपनी की, ये विशेषकर कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी है उन लोगों के लिए लागू किया हुआ है। अगर आप एक बेसिक नॉर्मल दुकान की अगर अकाउंटिंग मेंटेन करते हो तो आप इस ऑप्शन को नो ही रखना। आगे वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में सिक्योरिटी का। अब ये सिक्योरिटी का मतलब हो गया, अभी अगर आप अपनी कंपनी के ऊपर कोई पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करना चाहते हो क्या, जैसे हम हमारे मोबाइल को पैटर्न लॉक से या किसी विशेष नंबर से अगर हम जैसे हम लॉक करते हैं तो उसी तरीके से आप यहाँ पर सिक्योरिटी लगा सकते हो भी आपके अलावा आपकी कंपनी का कोई डाटा देख ना सके। तो उसके अंदर भी आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला आता है आपके पास में सेट टेली का वैलिड पासवर्ड, यानी कि इसका मतलब ये हो गया भी जब भी हम कंपनी की लिस्ट और कंपनी में देखेंगे तो आपकी कंपनी का नाम नहीं दिखाई देगा, पर्टिकुलर वहां पर कुछ इस तरीके से स्टार स्टार आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब अगर आप वो चाहते हो तो आप इसको यस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो भी कंपनी का नाम तो दिखे पर आप पासवर्ड भी लगाना चाहते हो तो फिर उस कंडीशन के अंदर हम इसको इस ऑप्शन को यस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यस करेंगे। तो उसके बाद हमारे से एक यूजर नेम पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूजर नेम ABC कर दिया, पासवर्ड मैंने 123 कर दिया और कंफर्म पासवर्ड के अंदर भी 123 कर दिया। और उसके बाद में जैसे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट एंटर प्रेस करेंगे तो एक ऑप्शन हमारे पास आएगा यहाँ पर, बिफोर गेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। तो कहने का मतलब ये हो गया भी एक सॉफ्टवेयर की तरफ से वार्निंग आपको दी जा रही है भी कल को अगर आप अपना यूजर नेम या पासवर्ड दोनों में से एक चीज या दोनों ही अगर आप भूल गए हो तो आपका डाटा जो लॉस हो सकता है, इसलिए आप अपने यूजर आईडी, यूजर नेम को और पासवर्ड को ध्यान से लिखें या कहीं आप इजीली आप याद कर सकते हो वो रखें या कहीं इसको नोट करके रखें। और उसके बाद में इनेबल टैली का ऑडिट फीचर्स है, आप इसको जरूर यस कर लीजिएगा। अब ये किस लिए, ये हम जैसे जैसे आगे कंपनी के अंदर काम करते जाएंगे, इसके अंदर एंट्री करते जाएंगे, आगे जाके हम इन सभी बातों का पता चलेगा। डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, इसको अगर आप यस करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नो करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी ये 8 ऑप्शन है, अब इन सभी के ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, आप इसको एज इट इज रहने दिए क्योंकि बाकी ये जो बाय डिफॉल्ट है ये सारा का सारा हमारा टेली सॉफ्टवेयर सेट होता है इंडियन
मतलब इंडियन जो हम अगर इंडियन की इंडियन की भारतीय की कंपनी की अगर अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो ये सारा उसी के अकॉर्डिंग सेट किया होता है। जैसा कि हमारा बेस करेंसी इन फॉर्म सिंबल है वो इस तरीके से आना चाहिए, फॉर्मल नेम INR यानी कि इंडियन रुपीज के अंदर आना चाहिए, उसके बाद सफिक्स सिंबल अमाउंट यानी कि ये नो रहेगा, तो इसके ऊपर हम आपको स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल यानी कि जैसा कि हमारे पास ये एक इनवॉइस है, जैसे हमारे पास ये इनवॉइस की एक अमाउंट बनी है जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे ये यानी कि सिंबल और इस अमाउंट के बीच के अंदर ये कुछ स्पेस रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, नो करेंगे तो ये आर्क जो मतलब सिंबल का निशानी बिल्कुल इसके पास में इस तरीके से लग के आएगा, तो हमारे स्पेस हमें रखना है तो इसलिए ऑप्शन आ जाएगा। तो अब शो अमाउंट इन मिलियन, मिलियन के अंदर हमें नहीं रखना, हमें इंडियन रुपीज के अंदर रखना है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस दो हमें रखना है, दो का मतलब क्या रहेगा इसके अंदर, जैसा कि हमारे पास ये इनवॉइस है ठीक है ना। अब हमारे पास जो लास्ट के अंदर पैसे हैं वो हमेशा डॉट डेसिमल के बाद में दो डिजिट के अंदर ही दिखने चाहिए। कई बार अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से रकम आती है कैलकुलेटर के अंदर आपने देखा होगा कि 532781234 इस तरीके से आगे काफ़ी सारे डिजिट के अंदर होती है, लेकिन हमें लास्ट के अंदर दो ही डिजिट चाहिए तो इसलिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। अगर आप यहाँ पर इसको 3 कर देंगे हम तो यहाँ पर आपके सामने डॉट के बाद में अगर मान लीजिए 10 है तो ये इस तरीके से 100 दिखाएगा ठीक है, यानी कि 3 डॉट के साथ 2 दिखाएगा इसलिए 2 आएगा। वर्ड वेरिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल यानी कि जो पैसा है वो पैसे का अमाउंट भी यहाँ पर साथ में दिखना चाहिए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन वर्ड ये भी हमारा 2 के अंदर ही रहेगा। तो इस तरीके से हम सभी सेटअप को इंस्टॉल कर लिए और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे हमने एक्सेप्ट कर दिया तो अब हमारी ये कंपनी क्रिएट हो रही है। तो जैसी कंपनी क्रिएट हो रही है अब यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर जाने के लिए ये यूजर नेम और पासवर्ड कन्फर्म के लिए पूछेगा। तो हमने यूजर नेम ABC दिया था, पासवर्ड 123 किया था। तो जैसे हम करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल फीचर्स एज पर योर कंपनी नीडेड, यानी कि अब कंपनी ने वो सभी ऑप्शन को आपके सामने ला के रख दिए, वो आप कंपनी के अकॉर्डिंग कौन सी फीचर को यस करना है कौन से को नो करना है यहाँ से कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी विजन को एक बार इग्नोर करते हुए मेन हमारा काम क्या रहने वाला है, अब यहाँ पर सबसे पहला काम रहेगा इनेबल GST का। सबसे पहले हमें अगर आपकी कंपनी GST के अंदर रजिस्टर्ड है, रेगुलर के अंदर है, तो हमें GST को यस करना है ठीक है। इसको हम यस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे से आ जाएगा स्टेट। तो स्टेट राजस्थान ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसने पिक कर दिया। क्यों कर लिया, क्योंकि हमने कंपनी क्रिएट करते वक्त स्टेट हमने सेलेक्ट किया था राजस्थान का, इसलिए राजस्थान आ रहा है। उसके बाद के अंदर ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में रजिस्ट्रेशन टाइप का। तो यानी कि आपकी कंपनी है वो अगर GST के अंदर रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड है तो वो कौन से के अंदर है, रेगुलर के अंदर है या कंपोजिशन स्कीम के अंदर है। रेगुलर का मतलब भी आपकी कंपनी जब भी आपके कस्टमर को सेल इनवॉइस इशू करती है तो वहाँ पर टैक्स चार्ज उसके अंदर हम करते हैं CGST का, CGST का, SGST का या फिर IGST हम चार्ज करते हैं। तो इसका मतलब आपकी कंपनी है जो रेगुलर के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर आपकी कंपनी GST नंबर तो है बट आपकी कंपनी कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं करती यानी कि उस इनवॉइस के ऊपर में टैक्स नहीं लगाती, जैसा कि हमारे पास एक इनवॉइस आया हुआ है, इस इनवॉइस के अंदर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर टैक्स अलग अलग से मेंशन किया हुआ है, CGST का, SGST का, उसके बाद में अलग अलग CGST का कितना रेशियो है, SGST का कितना रेशियो है इशू किया हुआ है। तो इसका मतलब ये कंपनी रेगुलर के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर आपकी कंपनी कंपोजिशन में रहेगी तो ये टैक्स अलग से मेंटेन है जो नहीं करेगी टैक्स इनवॉइस के अंदर, तो इस तरीके से मतलब वो कंपोजिशन रहेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर रेगुलर कंपनी की अकाउंटिंग है जो लिख रहे हैं। और उसके बाद के अंदर आपकी कंपनी का GST नंबर ठीक है। अब हाँ, अपनी कंपनी का जो GST नंबर है वो हमें कहाँ से पता चलेगा, आप चाहो तो अपना कंपनी का जो सेल इनवॉइस है वहाँ से उठा के देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको कंपनी से आप ओनर से भी पूछ सकते हो, कहीं से भी पूछ सकते हो। तो ये आपका जो GST नंबर है वो ये आपको टेली सॉफ्टवेयर के अंदर लिखना होगा। अब उसके बाद में जो आपकी GSTR 1 है वो आप GSTR 1 मंथली फाइल करते हो या फिर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो। तो अब इसका मतलब क्या बन गया भी, अगर आपकी कंपनी की जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम है तो आप क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हो, अगर आपकी कंपनी 5 करोड़ से ज़्यादा की है तो आप उस कंडीशन के अंदर इसको मंथली भी फाइल कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको ये रेशियो कम ज़्यादा होते रहते हैं, 1.5 करोड़ से स्टार्ट हुआ था, 1.5 करोड़ भी है और मंथली या क्वार्टरली, तो फिलहाल हम इसको मंथली लेके चल रहे हैं।
और उसके बाद में ई इनवॉइस एप्लीकेबल, यानी कि अगर आपकी कंपनी के ऊपर ई इनवॉइस बनाने की लायबिलिटी है, यानी कि आपकी कंपनी की पुरानी कंपनी चल रही है और आपकी कंपनी की जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेके और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है तो अब आपकी ई इनवॉइस की लायबिलिटी भी बनेगी। अगर 1 अगस्त से अब ये 5 करोड़ की लिमिट बन चुकी है, तो अगर आपके ई इनवॉइस बनाने की कंपनी की लायबिलिटी बनती है तो आप इसको यस करोगे, अदरवाइज आप इसको नो भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इसको यस करूंगा तो ये एप्लीकेबल भी पूछेगा भी आपका जो ई इनवॉइस की जो एप्लीकेबल है 1 मई से स्टार्ट हो रही है, 1 अप्रैल से हो गया था, कब से हो गया था, तो वो आपको यहाँ पर डिटेल पूछेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे कहते यस हो गया तो लेकिन मेरी 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप जैसे हम करेंगे तो ये कहेगा भी डेट शुड बी लेटर देन जीएसटी एप्लीकेबल डेट। तो इसका कहने का मतलब आ गया भी आपने जब हम कंपनी क्रिएट करी थी तो वहाँ पर आपने जो बिजनेस स्टार्ट की डेट है वो हमने 1 मई करी थी, तो ये कह रहा है भी आपने 1 मई करी तो इसलिए आप यहाँ से 1 मई से पहले की डेट नहीं दे सकते। और उसके बाद अगले वाला ऑप्शन पूछा जाएगा इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस, यानी कि आप अपने कस्टमर को जो मतलब जो सेल इनवॉइस इशू करोगे वो आपका एरिया कौन सा रहेगा। तो हमारा मेन एरिया जैसे हमने लिख दिया भी रायसिंह नगर। उसके बाद में ईवी बिल एप्लीकेबल, तो हम आपका ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो जाहिर सी बात है ईवी बिल भी आपको काटना पड़ेगा और ये भी आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। और इस तरीके से हम इसको एक्सेप्ट करते हुए इस विंडो को एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए के साथ। फिलहाल हम और किसी फीचर्स को नहीं छेड़ रहे क्योंकि उस फीचर्स की अभी हमें जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हमारे को जरूरत पड़ती जाएगी उन सभी फीचर्स के बारे में हम सीखते जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक तो हमारा था ये कंपनी क्रिएट करने का, जो हमारा टारगेट पूरा हो चुका है, कंपनी क्रिएट करने का टास्क पूरा हो चुका है। अब उसके बाद बात आएगी लेजर क्रिएट करने की, तो अब हमें लेजर किस प्रकार से क्रिएट करना है। तो दोस्तों अब मान लीजिए हमारे पास एक ये इनवॉइस आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब इसके अंदर विजय ट्रेडिंग कंपनी के नाम से हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अब हमारी कंपनी यहाँ पर स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी है, हम इस कंपनी के लिए बायर बन चुके हैं, ठीक है। अब बायर बन चुके का मतलब अब ये हमारा सप्लायर है और ये हमारी कंपनी है, तो हमारी कंपनी हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, हमारी कंपनी का कोई इशू नहीं है। अब हम लेजर क्रिएट करेंगे विजय ट्रेडिंग कंपनी का। तो अब लेजर क्रिएट करने का तरीका क्या रहेगा सॉफ्टवेयर के अंदर, तो जैसे हम इसको सर्वर डाटा सेव कर देंगे तो ये हमारा रहता है गेटवे ऑफ टेली का फर्स्ट विंडो, ये ओपन होती है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्रिएट और अल्टर के दो ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट का मतलब नया बनाना और अल्टर का मतलब जो आपने ऑलरेडी कुछ बना रखा है उसके अंदर कुछ चेंजिंग करने के लिए। नया बनाना है तो क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद के अंदर सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे तो हमें लेजर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में हम उस कंपनी का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर भी आपको सारा कैपिटल लेके चलना है विजय ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। उसके बाद में अंडर, अब अंडर में इसको क्या रखेंगे, अब आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानियाँ रखने की जरूरत है लिस्ट ऑफ ग्रुप में, यहाँ आपकी गलती की गुंजाइश रियल बिजनेस के अकाउंटिंग में ना के बराबर है, ये आपको बहुत सारा कुछ सीखने को पड़ेगा यहाँ पर। अब ये विजय ट्रेडिंग कंपनी है तो अब ये हमारी कंपनी के लिए सप्लायर बन चुके हैं, और सप्लायर का मतलब हो गया सेंड्री क्रेडिटर्स, यानी कि अगर हम किसी ऐसी कंपनी से सामान खरीदते हैं तो वो हमारा सेंट्री क्रेडिटर होता है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय, इसको हम यस रखेंगे, आपको क्रेडिट पीरियड फिलहाल हम कुछ भी नहीं देंगे। उसके बाद में एड्रेस, अब यहाँ पर हमें एड्रेस कौन सा लिखना होगा, जो हमारे पास इनवॉइस आया है उस इनवॉइस के ऊपर जो एड्रेस है वो एड्रेस हमें यहाँ पर लिखना होगा कंट्रोल वी के साथ में। अगर आप चाहो तो इसको लास्ट में हम जो श्री गंगानगर, इसको हम अगले ऑप्शन के अंदर भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में उस कंपनी का स्टेट कौन सा है, राजस्थान, कंट्री इंडिया ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो वहाँ पर जो भी इसका पिन कोड है वो पिन कोड अगर इस टैक्स इनवॉइस के ऊपर मेंशन है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने लेवल के ऊपर भी यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में प्रोवाइड बैंक डिटेल्स की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद के अंदर पैन नंबर, तो यहाँ पर आपको पैन नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो जो कंपनी का जो जीएसटी नंबर आया है उसके अंदर फर्स्ट 2 अक्षर को छोड़ के और लास्ट के 3 अक्षर को छोड़ के बीच वाला ऐसा हमारा पैन नंबर ही होता है। तो हम इसको पैन नंबर को भी यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे पैन नंबर में। अब उसके बाद में रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ से पूछ लेगा भी जो आपका सप्लायर है
वो रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड है तो रेगुलर में है या फिर कंपोजिशन में है। तो अब हमारे पास जो इनवॉइस आया हुआ है उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर अलग से टैक्स यहाँ पर लगा के भेजा हुआ है। तो अगर टैक्स लगाया हुआ इनवॉइस आपको कहीं मिल जाए तो आप आँख मिल के बोल देना भी ये रेगुलर में है। तो ठीक है, इसको हम करेंगे यहाँ से रेगुलर, और इसका जीएसटी नंबर जो इसके टैक्स इनवॉइस के ऊपर आपको मिल जाएगा, तो वो जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर लिखने होंगे। ठीक है, उसके बाद में सेट एडिशनल जीएसटी डिटेल के ऊपर जैसे हम इसको यस करेंगे तो उसके बाद में आपसे काफ़ी डिटेल और पूछी जाएगी। प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान की है। इफ़ पार्टी इज ट्रांसपोर्टर, अगर ये ट्रांसपोर्ट है तो आपको इसको यस करना है, अदरवाइज ये नो रहेगा। ये ट्रांसपोर्टर है नहीं तो हम इसको एज इट इज रखने देंगे। अब रहेगा ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या हो गया, अगर आपकी कंपनी पुरानी चल रही है, अगर आपने विजय ट्रेडिंग कंपनी से लास्ट ईयर के अंदर भी कोई आपने कोई प्रोडक्ट वगैरह खरीदा तो ओपनिंग आता है। अब हमने बिजनेस इसी वर्ष 1 मई से स्टार्ट किया है तो ओपनिंग बैलेंस का कोई सवाल ही नहीं होता, तो इसलिए हम इस ओपनिंग बैलेंस को हम रखेंगे यहाँ पर जीरो। तो इस तरीके से हमने एक्सेप्ट कर दिया और ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया। अब हमें पता कैसे चलेगा भी हमारा लेजर क्रिएट हो चुका है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप अगर कन्फर्म करना चाहते हो तो हम फर्स्ट विंडो पर वापिस आएंगे और वापिस आने के बाद में एक अल्टर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। क्रिएट के बाद में अल्टर पे हम आएंगे और अल्टर पे आने के बाद हम लेजर पे जाएंगे। तो लेजर पे जाने के बाद आप देखोगे विजय ट्रेडिंग कंपनी का लेजर क्रिएट हो चुके हैं और टेली सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट केस का और एक प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का दो लेजर आपको ऑलरेडी क्रिएट करे हुए टेली सॉफ्टवेयर के द्वारा पहले से ही मिलेंगे। अब अगर आपको कोई इंटरव्यू के दौरान कुछ इस तरीके का क्वेश्चन कर ले भी टेली सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट लेजर कौन से होते हैं, तो केस और एक प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का, तो दो लेजर आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा सेकेंड टास्क था लेजर क्रिएट करने का, तो वो हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद बात आएगी स्टॉक आइटम क्रिएट करने की। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने का तरीका क्या रहेगा, हमारे पास टैक्स इनवॉइस है और उसने उसके अंदर हमारे पास में स्टॉक आइटम भी बनी हुई है, तो उस स्टॉक आइटम को हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टॉक आइटम आई है उसी स्टॉक आइटम को हम टेली सॉफ्टवेयर में क्रिएट करेंगे। क्रिएट हब पे जाएंगे और उसके बाद अब हम सेलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पर स्टॉक आइटम, लेकिन स्टॉक आइटम से पहले हमें स्टॉक ग्रुप और एक यूनिट अगर आप पहले से क्रिएट करके रखना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज हम स्टॉक आइटम को साथ स्टॉक आइटम क्रिएट करते कर साथ साथ हम इसको भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम स्टॉक आइटम पे चलते हैं और हम उस स्टॉक आइटम का नाम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारे पास है परचेज का, जो हमारे पास इनवॉइस आया हुआ है उस इनवॉइस के अंदर जो नाम लिखा हुआ है मैंने वो नाम यहाँ पर लिख दिए। और उसके बाद में अंडर ये पूछा जाएगा। अब अंडर में हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ ग्रुप है, बाय डिफॉल्ट ये प्राइमरी रहेगा। ठीक है, अगर आप इस आइटम का कोई पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप इसका एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ग्रुप का मतलब अब जिसे हम समझ सकते हैं दिस इसका एलईडी बल्ब 25 वाट, यानी कि एक तरीके का ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स है, तो आप इसको इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स एलईडी की कैटेगरी में रखना चाहते हो। अब इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के अंदर आपके पास फैन हो सकते हैं या कोई और वाटर पंप हो सकते हैं, तो इसी तरीके से आप इनका एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। अब मैं कह सकता हूँ भाई ये मेरे पास में एलईडी के प्रोडक्ट हैं, तो आप इसको चाहो तो एक एलईडी के नाम से ग्रुप हम क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के दो तरीके हैं, आप शॉर्टकट एल्ट सी का भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस क्रिएट के ऑप्शन पे जाओगे तो आप यहाँ से भी क्रिएट इसको कर सकते हो। तो क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एलईडी, ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडी। ठीक है, अब जो भी एलईडी रहेगी 5 वाट 10 वाट 20 वाट 25 वाट जो भी है वो सारी हम इसी के अंदर मेंशन करते जाएंगे। तो हम अंडर इसका अंदर कोई ग्रुप हम यहाँ पर क्रिएट नहीं करना चाहते, हम इसको प्राइमरी ही रखेंगे। और उसके बाद में शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, तो यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है, इसको नो रखना है। और यहाँ पर जो टैक्स रेट है वो एज पर कंपनी के हिसाब से हम चलने देंगे। स्टॉक आइटम हमें ग्रुप के अंदर कोई भी स्टॉक आइटम हमें यहाँ पर नहीं देना है, स्टॉक आइटम के आगे हम देंगे। उसके बाद बात आएगी यूनिट्स की। अब यूनिट का मतलब क्या हो गया, ये जो प्रोडक्ट है अब ये इस प्रोडक्ट को आप किस यूनिट के अंदर सेल करोगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो यूनिट, और ये यूनिट के अंदर क्या लिखा हुआ है पीस, यानी कि अब इस प्रोडक्ट को आप कौन सी यूनिट के अंदर सेल करोगे। परचेज आपने बॉक्स में किया हो सकता है, ठीक है ना, किसी कार्टून में किया हो सकता है, कंटेनर में किया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इस पीस को सेल किस यूनिट में करना है वो हमें यूनिट क्रिएट करनी है। परचेज आपका ये परचेज इसने अपने अकॉर्डिंग तैयार करी हुई है, अगर आप आया पीस में या सेल भी अपने पीस में करना है तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो यूनिट भी हम क्रिएट करेंगे और यूनिट के अंदर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं पीसीएस, यानी कि हम इसको पीसीएस में सेल करेंगे। और फॉर्मल नेम के अंदर हम पीसीएस की फुल फॉर्म यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद बात आएगी यहाँ पर लिस्ट ऑफ यूपीसी की, यानी कि यूपीसी का कोड हमें यहाँ पर देना है एज पर जीएसटी के अकॉर्डिंग पीसीएस, ठीक है। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इसका पीसीएस का मिशन जीरो ही रहता है, एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हमने स्टॉक आइटम का नाम, इसका ग्रुप और यूनिट हमने क्रिएट कर दिया। अब बात आएगी यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। अब आपके क्या इस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी है? तो बिल्कुल है, तो हम इसको रखेंगे एप्लीकेबल। यहाँ आपके पास कुछ दो ऑप्शन मिलेंगे, एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल। बिल्कुल एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान में रखना है एप्लीकेबल ही रखना है। अब यहाँ पर रहेगा एचएसएन कोड इसका क्या है। अब एचएसएन कोड क्या आ गया, अभी एज पर कंपनी, यानी कि जब हमने कंपनी क्रिएट करी थी, अगर हमने जहाँ पे F11 करने के बाद जहाँ पे जीएसटी नंबर हमने दिया था, वहां अगर हमारे पास एक ही टाइप का अगर कोई एचएसएन कोड है तो वहां पर हम लिख सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर देंगे प्रोडक्ट वाइज। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, स्पेसिफाई डिटेल हेयर इसके ऊपर हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे करने के बाद इसका एचएसएन कोड पूछा जाएगा, और ये जो एचएसएन कोड है, ये एचएसएन कोड आपको इस टैक्स इनवॉइस के अंदर मिल जाएगा 9405 का, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे 9405 का। उसके बाद डिस्क्रिप्शन इसके अंदर यहाँ पे हम लिखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और उसके बाद में जीएसटी रेट से रिलेटेड, अब जीएसटी रेट है वो भी हमें यहाँ पर मेंटेन करना है मैनुअली, तो हम स्पेसिफाई डिटेल हेयर के अंदर प्रेस करेंगे। टैक्सेबल के अंदर हम टैक्सेबल रखने वाले हैं, और जीएसटी रेट इसका क्या रहेगा, तो जीएसटी रेट हमारे को इसको देखना है। आप देख सकते हो यहाँ पे सीजीएसटी 6% है और एसजीएसटी भी 6% है, यानी कि ये 12% का प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पर जीएसटी रेट के अंदर इसको 12% करेंगे। और टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर ये पूछेगा भी क्या चीज़ है, ये कोई कैपिटल गुड्स है या केवल गुड्स है या सर्विस है, तो ये हमारी कंपनी के लिए गुड्स ही है क्योंकि हम इसको रीसेल पर्पज के लिए परचेज कर रहे हैं, तो इसको हम रखेंगे गुड्स, ठीक है। रेट ऑफ ड्यूटीज के अंदर कुछ भी नहीं है। क्वांटिटी अगर आपके पिछले साल की अगर कोई बकाया होती है तो वो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में आता है, तो हमारा फिलहाल तो कुछ होता नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम टैक्स इनवॉइस को देख के कंपनी का नाम हम क्रिएट करेंगे, इसी के आधार पर हम इसका जीएसटी नंबर को सेलेक्ट करेंगे, और इसी तरीके से हम ये सारी जो स्टॉक आइटम हमारे पास में है उन सभी स्टॉक आइटम को हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने तीन बातों को प्रैक्टिकल तरीके से सीखा है कि किस तरीके से हम कंपनी क्रिएट करते हैं, किस तरीके से रेजर क्रिएट करते हैं, और किस तरीके से हमने स्टॉक आइटम को क्रिएट करी है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट रहने वाला है उसके अंदर हम सीखेंगे भी जो हमारे पास परचेज का वालेजर परचेज वाउचर और जो सेल वाउचर रहेंगे उनकी वाउचर एंट्री को हम टेली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से पास करेंगे, क्योंकि ये तीन काम आपके इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन काम आपने पर्टिकुलर सही तरीके से कर लिए तो आपको आगे जो हम डाटा की वाउचर एंट्री करेंगे उसके बाद जो जीएसटी रिपोर्ट्स हमारी तैयार रहेंगी वहां पर आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और आज की वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी, पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी आप जरूर कर लेना।